ये बांस का जड़ी है और बांस में ही देखिए बांस खुकड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं और इसका सब्जी बनता है। और चल हमरो फोटो चल गया। हाँ लग रहा है इसीलिए। तो हेलो दोस्तों, कमाल की फंडा डू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल चीज़ें, कमाल चीज़ें कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए चलते हैं, आज खुकड़ी का ब्लॉग होने जा रहा है, यानी कि मशरूम। इसका सीज़न अभी ऑफ हो चुका है, लेकिन अधिकतर खुकड़ी ज़मीनी सतह पर पाया जाता है। लेकिन आज जिस खुकड़ी की मैं बात करने जा रहा हूँ, बांस खुकड़ी, तो अधिकतर बांस के बखानों में पाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मैनेजर उराव के यहाँ और वहाँ पता चला है कि बांस खुकड़ी है और आज उसका पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। उसे बनाने का रेसिपी जो होता है, मैंने किस विधि से बनाया जाता है और क्या क्या उसमें सामग्री लगती है, तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग पर जमे रहिएगा, पूरी तरह ब्लॉग दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं। ये बाबा हैं, यही हम लोगों को हम लोग उठा रहे हैं। ये देखिए बाबा उठा रहे हैं और हम भी, और आपको प्लास्टिक इधर तक प्लास्टिक निकाला थी। डालत रहिए ये थिंग, ये देखिए घर से प्लास्टिक लाए हुए थे डाला। तो आप बने रहिएगा, दो दिन खेलते हैं। तो उठाते हैं, ये देखिए हम कहेंगे बाप लान ले हो तो होने से। अरे सोरवा खुकड़ी के चक्कर में हम रह गई, लेकिन खुकड़ी नहीं मिलता अब, नहीं मिलता, लेकिन पहले से हम इंतज़ार में हलवा करे। तो फाइनली दोस्तों, ये बांस का जड़ी है और बांस में ही देखिए बांस खुकड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं और इसका सब्जी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये बाबा हैं, ये बताए थे तो आ गए हम लेने। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो चले अब घर की ओर और से आपको कंटिन्यू इसका सब्जी का रेसिपी जिसे बोलते हैं हम लोग। ये बाबा का ही घर है और छोटा सा एक गार्डनिंग लगाए हुए रहते हैं, बहुत अच्छा। तो फाइनली दोस्तों, जैसा देख पा रहे हैं, ये वॉश हो गया, यानी कि धो दिया गया साफ पानी से। और इधर फोरन, ये क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज और हरी मिर्च है और सरसों ऑयल है, क्या बोलते हैं ये, अंदाज अनुसार आप फ़ौरन लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं बन रहा है, शाम को बोले थे तो दिखाएंगे। और ये अर्पण बाबा का मोबाइल चला रहा है और ये सरसों ऑयल था। देखिए फ़ौरन पूरी तरह से लाल हो जाएगा, इसके बाद वो डालेगा। और मसाला पिसा गया नहीं। तो बिना मसाला के तो फाइनली जैसा भी आप देख पा रहे हैं, नमक डला के पूरा। और अभी क्या फोन आया है, क्या फोन आया है, 5:30 हो चुका। ये देख पा रहे हैं सब्जी मसाला है रेडीमेड, दो चम्मच। और ये पानी, ऐसे घोल के ही डाला जाता तो अच्छा रहता है, उड़ जाता है। और ये हल्दी पाउडर है, तो हल्दी पाउडर तो उसमें मिक्स ही है सब्जी मसाला में। तो
ये देखिए अंदाज भर पानी आप डाल सकते हैं, कितना ग्रेवी रख सकते हैं रासा। हेलो, हाँ बोलो। इसके साथ क्या बनेगा, रोटी या सब चावल? चावल चावल है, ठीक होगा। रोटी सही है, इसका आदमी पता नहीं कैसा लगेगा। तो ये देखिए अभी इसको खाली खोलने यानी कि ढकने भर इंतज़ार किया जाएगा और ये पूरी तरह से बन के ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। करीब तकरीबन आपको 10 मिनट का 10 से 5 मिनट समय देना होगा। यह देखिएगा, तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं बस खुकड़ी बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका है और अभी फ़िलहाल चावल के लिए वो धन चढ़ गया, चावल बनेगा तब इसके बाद खाएंगे। फिलहाल अभी उसे टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं चेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों बैठ गए, देखिए बायां हाथ है तो नहीं खाना चाहिए। तो ये फाइनली देख सकते हैं बस खुखड़ी है, बांसों में पाया जाता है खुखड़ी। मतलब फ्लेवर है खुखड़ी का, लग रहा है जो हमने छोटा इसको मुर्गा बोल सकते हैं, मुर्गा जैसा फ्लेवर है। इसमें मीट मसाला डाला जाता तो मैंने मुर्गा फेल हो जाता। अभी इसको बनाइए खाइए, अभी चावल बनेगा, चावल भर चावल इसको खाएंगे खुखड़ी। लेकिन अभी बहुत शानदार बना है इसको। वाकई में ढेर बढ़िया बना रही है। लग रहा है जिसको चाट दें बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए। सब खत्म कर देते हम चाहते थे, मम्मी पापा के दे दिया गया थोड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं ये फूड ब्लॉग अगर आप सबों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।